नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज टॉप 10। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबरों पर। राघोगढ़ किले में मनाया हिल्ला, 210 साल पुरानी परंपरा। जयवर्धन ने लोगों के साथ खेली होली, दिग्विजय ने राजा बल के द्वार मचीरी होली गाया। अफीम के लिए बुजुर्ग महिला की हत्या, मंदसौर से 4 लाख की अफीम लेकर फरार हुआ बदमाश, बटाईदार पहुंचा तो मिला शव। 31 मार्च से शुरू होगी दिग्विजय की चुनावी पदयात्रा। राजगढ़ लोकसभा की सुसनेर विधानसभा से आगाज, 8 विधानसभा क्षेत्र कवर करेंगे। मुरैना पुलिस के आरक्षकों ने स्पा में युवतियों को छेड़ा, ग्वालियर में सेक्सुअल डिमांड की साथ ले जाने पर अड़े, इनकार कर पीटा। कुनू नेशनल पार्क की हद से निकल चीता पवन और मादा चीता वीरा चंबल क्षेत्र में मुरैना जिले के पहाड़गढ़ के जंगलों में पहुंच गए हैं और वहीं विचरण कर रहे हैं। बसपा ने मध्य प्रदेश के 6 लोकसभा सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी, बालाघाट से कंकर मुंजारे को दिया टिकट। छावनी पीठाधीश्वर अयोध्या धाम के श्री जगतपुर परमहंस आचार्य का सीधी में विवादित बयान दिया, अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी तो उन्हें जीते जी जन्नत मिलेगी। शिक्षा विभाग के आदेश को जीतू पटवारी ने बताया रस्म अदायगी, बोले 2621 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस ने कसी कमर, वरिष्ठ नेताओं को दी क्षेत्रों की जिम्मेदारी, जानिए किसे मिली कहां की कमान। मध्य प्रदेश में ये सीटें हैं कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती, हर बार बदला प्रत्याशी लेकिन नहीं मिली चुनावी सफलता। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज टॉप 10।